हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? मुझे यकीन है कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, घर में सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बढ़िया तैयारी अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। आपके करियर से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक सुनहरा अवसर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का एज ऑफिसर्स और अपने कंट्री, अपने मदरलैंड को सर्व करने का। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन CDS 2 2022 के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी है और ये विज्ञप्ति यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। आज हम इस सेशन में समझेंगे इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट से। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 18 मई 2022 से और सबमिट करने की लास्ट डेट है 7 जून 2022। एप्लीकेशन सबमिट होंगी ऑनलाइन, जिसके लिए कि आपको विजिट करनी है यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in। आप इस पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। यदि किन्हीं कारणों से या कारणवश आपको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी एक विंडो दे रखी है। 14 जून 2022 से 20 जून 2022 तक आप अपनी एप्लीकेशंस को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वैकेंसीज। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, यूपीएससी द्वारा इस एग्जाम के लिए डेट 4 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है और इन ऑल यहाँ पर 339 वैकेंसीज हैं, जिसमें से IMA देहरादून के लिए 100, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला के लिए 22, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मेन के लिए 169 एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वेमेन कैंडिडेट्स के लिए 16 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। बम्पर वैकेंसीज है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा अवसर है अपने लिए एक बेहतरीन डिस्टिंग्विश्ड गौरवपूर्ण करियर बनाने का। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन पूरे इंडिया में हैं, हर स्टेट में हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। डिटेल्ड लिस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। हालांकि जब आप अपना फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर की आपसे चॉइस पूछी जाएगी, आप अपनी चॉइस वहां पर डाल सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंडिया या नेपाल के नागरिक होने चाहिए या फिर भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से माइग्रेट होकर के इंडिया आया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज लिमिट। IMA के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में। एयरफोर्स एकेडमी के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। OTA के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ फॉर मेन 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004 होनी चाहिए एंड फॉर वुमेन ऑल्सो 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2004 होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम समझेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। IMA एंड OTA चेन्नई के लिए आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री और
एयरफोर्स एकेडमी के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक या ग्रेजुएशन की डिग्री, लेकिन ध्यान रहे यहाँ आपके 12th में यानी कि 10+2 में सब्जेक्ट्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना आवश्यक है, या फिर आपके पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE की डिग्री हो तो भी आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए आवेदन कर सकते हैं, राइट। सो इम्पॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि CDS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स 4 में मेंशनड हैं। यू कैन गो थ्रू इट इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। नाउ फीस निर्धारित की गई है इस एग्जाम के लिए ₹200। हाउएवर फीमेल SC ST कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए फीस एग्जेम्प्ट है। फीस पे करने के लिए पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग, या फिर कोई भी वीज़ा मास्टर कार्ड रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड, या फिर किसी भी UPI ऐप से जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, या फिर आप कैश जमा करा सकते हैं SBI की किसी भी ब्रांच पर, राइट। नाउ एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया UPSC ऑनलाइन पर जाकर के रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और रजिस्ट्रेशन से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित हों या आपकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित हों या आइडेंटिटी से संबंधित हो, सभी को रेडी स्कैन करके रखिएगा सो दैट आप उनको ईजिली अपलोड कर पाएं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको भी हम लोग एक बार यहीं पर समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिए, जो भी लोग IMA के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका जो एग्ज़ाम है, 3 पेपर्स हैं उसमें, इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स। तीनों एग्जाम्स की ड्यूरेशन 2 घंटे है और 100 नंबर का पेपर है। और OTA के लिए एग्ज़ाम होता है इंग्लिश और GK का, दोनों पेपर्स 2-2 घंटे के और 100 मार्क्स इसका वेटेज रहता है। तो स्टूडेंट्स, सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस सेशन में दी है, और CDS एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए डाउनलोड करिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप के विभिन्न फीचर्स आपको देंगे बेहतरीन तैयारी, श्योर शॉट सक्सेस। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। आप सभी को पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।